मैं पूरे देश का जी प्रसिद्ध प्लीज है अपने बोलिए। प्रति। मेरा नाम भार्गव राम शर्मा है, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से आया हूँ और यहाँ ने एक बात मुझे बहुत प्यार मोहब्बत मिला है, इन्हों का सहयोग मिला है। मुझे लगता नहीं कि मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मैं ऐसा लगता है कि मेरे बंधु मेरे रिश्तेदार के घर आया हूँ कहीं। और सिक्योरिटी खातिरदारी इतनी अच्छी है हमारी कि हमको कहीं नहीं लगता, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं है। मगर पाकिस्तान सरकार, यहाँ की जनता से मेरी गुजारिश है कि जिस प्रकार कटास राज के लिए प्रयास करके इन्होंने हिंदुओं के लिए और लोगों के लिए खोला है, वैसे ही हिंगलाज देवी के लिए भी व्यवस्था करे, उसको टाउन प्लानिंग करे, 100 फीट की सड़कें हो, एरोड्रम हो, वहाँ पे धर्मशाला हो और वहाँ पे दुकानें हो, ताकि यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा और यहाँ फॉरेन करेंसी इंडियन करेंसी आएगी तो लोगों का फायदा होगा, इस देश का फायदा होगा और बेरोजगारी होगी और हम लोग को 10 रुपये का भाग्य मिलेगा, उससे फायदा। आप लोग जो हम लोग के लिए कर रहे हो वो पुण्य का काम, आपको भी फल मिलेगा, माता रानी आपको भी देगी। और जो कटास राज में भी आ रहे हैं उसके 10 गुना आपके यहाँ आएंगे माता रानी के दर्शन करने, और उससे आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, बेरोजगारी हल होगी, अमन चैन बढ़ेगा। मैं चाहता हूँ हम भाई बिछड़े बिछड़े हैं दोनों हैं, वो अमन चैन से रहे, एक दूसरे के साथ रहे, हमारी जी यही मैं एक कमाना थोड़ी सी बीच में एडिशन करता चलूं कि करिए जो आप थोड़ा। हिंगलाज माता के बारे में बात करें, हिंगलाज माता का मंदिर जो है वो बलूचिस्तान के हाँ, अंदर तो है। आपके अंदर ही आता है, बलूचिस्तान के अंदर है, आप नॉर्थ वेस्ट पंजाब के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं। ये हम जगह जो भारत है पाकिस्तान चकवाल, सरकार की गुंजाइश जी गुजारिश जी कर रहा हूँ। बिल्कुल। फिर उसके बाद बलूचिस्तान फॉर एरिया जो है, जो हिंगलाज माता के मतलब काफ़ी लोगों की पहले भी फरमाइश है, बहुत जल्द कोई ऐसा सिलसिला बनता है तो हम बिल्कुल वहां पर जाएंगे और उस जगह को भी कवरेज करते हैं, और इंशाल्लाह इस पर भी काम होगा। जिस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस फॉर अ हिंदुइज्म, यानी कि कटास राज की बात कर रहा हूँ कि 2005 में फर्स्ट टाइम इसके ऊपर जो काम हुआ था, उसके बाद अभी तक कॉन्टिन्यूली जारी है। पीएमएलएन ने अभी जो फिल्ट्रेशन प्लांट यहाँ पर जो लगा, जो अमरकुंड के पास लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा कि ये बहुत एक अच्छी काविश है। और अभी जो इसके ऊपर तमाम मंदिरों के ऊपर जो है शिव जी के त्रिशूल नजर आ रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है ये सारा कुछ देख के। तो ये टाइम बाय टाइम चेंज आएगी और इंशाल्लाह ये प्यार का मोहब्बत का पैगाम जो है वो आप पाकिस्तान से जो आप लेके जा रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने अपने दिल की जो है वो बात की है। तो इस सिलसिले में आप और क्या बेहतरी होनी चाहिए, हमारी हाँ, इस क्षेत्र में क्या और क्षेत्र में, और क्षेत्र में इसमें इसी में आपको मंदिरों के हवाले से जो आप इसमें मेंटेनेंस की कमी है, मेंटेनेंस होना चाहिए। मूर्तियां जहां जहां खंडित हो गई है उसको फिर से लगा के स्थापित किया है, और हमारे भारतवर्ष के लोगों की भारत सरकार की तरफ से किसी मदद की जरूरत पड़ी, हम लोग एक पैर खड़े हैं, मदद करने निःशुल्क सेवा देने को तैयार है आप लोग को, चाहे वो हिंदू हो मुस्लिम हो कोई भी हो, जहां भी हम कोई मदद की जरूरत पड़ी हम सब खड़े हैं, अपने भाई के छोटे भाई के लिए तैयार हैं, हम किसी भी क्षण बुलाइए हम तैयार रहेंगे, तन मन धन से हम सेवा करने को तैयार हैं, हम यही हम जी चाहते हैं सब करेंगे। और जी हिंगलाज रमेश सर, हिंगलाज मैं जो भाई ने जो हिंगलाज की बात की, दरअसल मैं हिंगलाज का फॉलोअर हूँ और साल में 2 मरतबा वहाँ पे नवरात्रे में वहाँ पे हिंगलाज में रखता हूँ। और मैं एक चीज़ इनके जहन में लाऊं कि यहाँ से कई गुना ज्यादा अमन जो है ना वो हिंगलाज में है, और यहाँ पे तो हमें फिर भी जो है वो रहने कहने का प्रॉब्लम, मगर वहाँ पे हिंगलाज के अंदर हम माता के चरणों में जब वहाँ पे जाते हैं ऐसे आराम से रहते हैं, रात पूरी वहाँ पे जागरण करते हैं, 9-9 दिन हम लोग वहाँ पे रहते हैं, बहुत सुकून है। मैंने बहुत इसके ऊपर कोशिश की है कि हमारी जो साइट्स जो हैं, जैसे कटास राज है, नानकाना साहब है, पंजा अच्छा साहब है, ये जैसे डिक्लेयर साइट्स हैं, तो ये बाहिमी तरीके से साइट्स डिक्लेयर करनी है, तो 2 साइट्स अभी डिक्लेयर करने के लिए मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि एक हिंगलाज माता और दूसरा है श्री परमहंस जी महाराज समाधि करक, जो श्री आनंदपुर वालों की है, जी बिल्कुल, ठीक वो है। उसके बारे में काफी और फरमाइश है मेरे ये पास जो है। और सबसे ज्यादा फॉलोअर्स जो है इस वक्त लाखों के हिसाब से लोग करक में आना चाहते हैं, मगर हमारी नाहली है कि करक के अंदर ये मंदिर जिसको सपुदास किया गया 1997 में, मगर अभी मैंने बहुत कोशिश करके उसको वापस रिस्टोर करा दिया है। ये दो चीजें, 2 साइट्स यहाँ पे जब डिक्लेयर करेंगे तो वहां पे भी इंडिया वाली साइट पे भी 2 जो है साइट्स डिक्लेयर करनी पड़ेंगी, ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, तो आप बिल्कुल वहां से कोशिश करें, हम यहाँ से कोशिश करेंगे, 2 साइड आप वहां से डिक्लेयर करें, यहाँ से लोग जैसे अजमेर शरीफ आते हैं, मगर बहुत ऐसी चीजें हैं जो वहां पे भी 2 चीजें डिक्लेयर होनी चाहिए, 2 उधर डिक्लेयर होंगी 2 इधर डिक्लेयर होंगी, तो कोई वो दिक्कत नहीं। हो सकता है, हम यहाँ से कोशिश करते हैं आप वहां से कोशिश करें, दोनों कौम के लिए जो है ये रास्ता खुल कोई जाए। दिक्कत नहीं शुक्रिया। है, थोड़ा दिक्कत सा नहीं। मैं आपको ये बताना चलूं कि हिंदूशाही के 21 टेम्पल्स पाकिस्तान के अंदर हैं, 21 टेम्पल्स पाकिस्तान के अंदर हैं, जिनमें से 19 टेम्पल्स जो हैं वो मैं दिखा चुका हूं मैं।
नंदना से शुरू होके कॉफरकोट तक अगर आप देखते हैं, अमरकुंड है, रामकुंड है, सूरजकुंड है, और उसके बाद नौ नाथों के स्थान हैं, और ये सारी चीजें जो है मैं दुनिया के सामने लेकर आया हूँ। पूरा मैंने बुक लिखा हुआ है और एक पूरा बुक है विद फोटोग्राफ, वो पड़ा हुआ है पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर जी। और पाकिस्तान हिंदू काउंसिल, आप थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे सुनने वाले या देखने वाले जो दोस्त हैं वो सारे उस जगह पे पहुंच जाएं और उस जगह को ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ सके। www.pakistanhindukouncil.org वहाँ पे जाएं, वहाँ पे आपको वो जो डॉक्यूमेंट्री है वहाँ पे आपको एक बुक मिलेगा। वो पूरा बुक मैंने पोस्ट करके रखा हुआ है क्योंकि हर जगह पे वो बुक पहुँच नहीं सकता। उसके ऊपर कौन से मंदिर यहाँ पे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, और वो बहुत ज़्यादा एक बहुत अच्छा किताब बना हुआ है, उसको आप पढ़ें, आपको वहाँ पे मिलेंगे। और ये बड़े के हवाले से और छोटों के हवाले से भी आपको डिटेल मिलेगी पाकिस्तान हिंदू काउंसिल की वेबसाइट के ऊपर, कौन सी हमारे यहाँ पे बात गए हैं, कौन से टेम्पल्स हैं, कौन से गुरुद्वारे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे मंदिर और गुरुद्वारे हैं जिसकी देखभाल होनी चाहिए, मगर ये थोड़ा बहुत कमी इस वजह से यहाँ पे है जिसको मैं आज भी ऑब्जर्व करता हूँ। जो लियाकत अली खान और जवाहरलाल नेहरू के बीच में जो एक बात हुई थी, इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटीज की जो प्रॉपर्टी और जो इबादत गाहें छोड़ी गई, उसका चेयरमैन जो है वो बना वहां पे मुसलमान बना है, और इवन नरेंद्र मोदी की हुकूमत है फिर भी जो है वहां पे मुसलमान बना है। यहां पे पाकिस्तान की हिस्ट्री 70 साल हिस्ट्री में हिंदू नहीं बना है, मगर कभी कोई वक्त आ जाएगा और कि जब हिंदू बनेगा तो ये और इन मंदिरों के हवाले से और अच्छे तरीके से जो है इसके ऊपर काम हो जाएगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने इतना वक्त दिया। मैं फिर यही कहूंगा कि हमारा जो मैसेज है पूरी दुनिया के लिए प्यार, मोहब्बत, अमन और भाईचारे का है।